हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशरफ साहिबजादा चेयरमैन जी। बिस्मिल्लाह, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं प्रधान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद जी। फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं जी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 हफ्ते पहले हमने बकरा लिया था एक जी, ठीक है जी। उसको अब पिछले एतवार को ना उसने खाना पीना छोड़ दिया था, ठीक। फिर खांसी थी, उसे डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि जी 3 दिन इसे ना सिरप दें, अगर सिरप से आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो इंजेक्शन लगा लेते हैं, ठीक। तो उसे शरबत पिलाया लेकिन आराम नहीं आया। फिर उसने वैक्सीनेशन की तो जिससे उसको बुखार चढ़ गया, बुखार हो गया, बुखार के बाद फिर उसका उसने खाना पीना तो वैसे छोड़ दिया था, वैक्सीनेशन होती रही उसकी। अब उसकी ये कंडीशन है कि उसके मुंह से ना जैसे लादे नहीं गिरती होती बंदों की, पानी गिरता होता है जी, ऐसे गिरी है, ठीक है। और वो उसे लूज मोशन भी थे वो जिसे कहते हैं, वो उसका उन्होंने दवाई दी, कल से उसने खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन वो उसको थोड़ी सी बेहतरी आई है। उन्होंने एक गोली दी थी, कह रहे थे ये उनको वो चोलों के बीच में मिला के ना आपने देनी है, लेकिन अभी भी उसकी हालत ना ठीक नहीं है। तो मैंने आपकी ना यूट्यूब पे देखी वीडियोस, तो मैंने फिर वहां से आपका नंबर लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब उसके रहनुमाई लेते हैं। और उसके मुंह में छाले से बने हुए हैं, डॉक्टर साहब को देसी का नुस्खा बताया कि वो खाना पीना शुरू कर दे। आपने सारी एक ही बेचारे बकरे को इतनी सारी बीमारियां लगा दी और इतने पता नहीं वैक्सीनेशनें क्या करा रहे हैं, खुदा का खौफ करें। जब भी कोई बीमार हो तो उसको वैक्सीनेशन नहीं कराते, याद रखें। जब बिल्कुल हो ना बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा भी हो, इंसान भी हो, तो उसको उस वक्त वैक्सीनेशन कराते हैं जब वो बीमार ना हो, हेल्दी हो, नंबर वन। नंबर टू, आपने उसके मुंह में अभी तो फिलहाल छाले जो है ना उसके लिए ग्लैसरीन ले लें, ग्लैसरीन किसी रुई को लगा के ग्लैसरीन लगाएं इसके मुंह में छाले जो हैं उनके लिए। और पिंक जी मुंह तो खुलवाना पड़ेगा ना, अब थोड़ा बहुत छाले कैसे पता चल गए मुंह नहीं खोलता? तो अच्छा, गड़बड़ कर चुके हैं, इसके लिए खासा आपने परेशान कर दिया मुझे भी। और इसको करें पिंकी ले लें, वो दवाई मिलती है ना पिंकी लाल दवा, वो लेके वो जामनी दवाई होती है, हाँ जामनी, बिल्कुल वही वाली वो, लेकिन वो ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी, उसको जरा पतली रख के वो लगाना है इसको, ठीक है। वो धोएं, छींटे मारें, और दूसरा ये है कि ग्लासरीन लगाएं, और तीसरे नंबर पे ये है कि इसको दवाई कोई भी पिलानी है सारा कुछ तो एक ड्रेंचर ले आए, ड्रेंचर होता है एक वहाँ जहाँ से दवाइयाँ लेते हैं ना, वहाँ से पूछ लें कि जी आपके पास ड्रेंचर है, उसके ज़रिए हमने इसको दवाई पिलानी है, ठीक है। वो फिर ये होता है ना, वो दवाई इनके फेफड़ों में नहीं जाती, वो ड्रेंचर के ज़रिए आपने दवाई पिलानी है। और अभी एक सलाइन लेक्चरी, सेलाइन लेक्चरी लिख लें, सेलाइन लेक्चरी, हाँ हाँ, ये मेरे प्रोग्राम देखे ना उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कैसे बनानी है सेलाइन लेक्चरी। वो थोड़ी वो इसको चटाएं खिलाएं, इसका नज़ला जुकाम ये जो खांसी है ये ठीक हो जाएगी एकदम उससे, सेलाइन लेक्चरी। और और इसको पेचश भी कह रहे हैं लगे हैं, तो इसमें उसके लिए आप एक और लाएं डायरोबान, हाँ डायरोबान के साशे मिलते हैं जी। वो साशे ले लें, एक डायरोबान का साशा वो डालें, एक डालें इसमें ओ आर एस, ठीक है,
ठीक है, ये नमकोल हाँ वो पिलाएं, वो इसको वही ड्रेंचर के जरिए पिलाएं, ड्रेंचर से ठीक है, फिर ये अथू उससे ये होता है अथू नहीं लगता, वो ड्रेंचिंग नहीं होती, उनके लंग्स फेफड़ों में नहीं जाती दवाई, ठीक है। और ये आप करें प्लीज, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला, दुआ भी करूंगा कि अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह इसको सेफ, ठीक है, ओके अल्लाह। और खाना शुरू कर देना ये इसके बाद इंशाल्लाह ताला, ये आप देंगे तो जब ठीक होएगा ना तो इसका पेट भी ठीक हो जाएगा, डायरोबान से इसका इसने, और इसको पत्ते पत्ते खाए ना तो इसको खिलाने हैं जामन के पत्ते नरम नरम, वो खिलाएं, ठीक है। और रोटी वोटी नहीं खिलानी, पानी नहीं, रोटी तो वैसे ही मना की है, इसको रोटी नहीं खिला रहे, ठीक है नुकसान नहीं है कुछ नहीं, वो असल में अंदर इसका गड़बड़ हुई हुई है ना, वो जब सारा ठीक होएगा। स्टमक पाउडर भी रखा हुआ है या नहीं? क्या आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं या नहीं? आप YouTube पे ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों खाम खा अपने जानवरों को बीमार कर रहे हो बाबा, खुदा के लिए ये हर चीज मैंने इसमें दी हुई है, एक एक चीज देखते जाएं, और वो सेफ दी हुई है, ये नहीं है कि ऐसे खाम खा टीके लगवाते रहो, वैक्सीनेशन कराते रहो, ये तो आप लोग ने तो उनको उसको तजर्बा गाह बनाया हुआ है जानवरों को, वो मर जाते हैं बेचारे, और ये जितने डॉक्टर हैं ये अपने तजर्बे करते रहते हैं उनपे, खुदा के लिए इनको सेफ चीजें दें, मैं जो बता रहा हूँ सेलाइन लक्चरी देनी है, डैरोबान इसलिए देना है कि पेचस है उसका पेट ठीक हो, और स्टमक पाउडर घर में बना लें, मैंने तरीके दिए हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसमें इतना आसान तरीका मैंने पाउडर दिया हुआ है जो स्टमक पाउडर है, फक्की टाइप ही है, उसमें सौंफ होती है, अजवाइन होती है, गुड़ होता है, नमक होता है, ये चीजें सारी मिला के वो उसकी एक पिनी देते हैं रोजाना, मेरी जान मेरी जान, आप इसका भी ख्याल करें और अपना भी ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये अभी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप कहेंगे यार ऐसे मैं तो वक्त जाया करता रहा हूँ इधर उधर भाग, ठीक है। ये अभी जो अभी अभी वाली बातें तुम आपकी और मेरी ये सारी ये भी वीडियो पे आ जाएगी, प्रोग्राम अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।